ये क्वेश्चन सबके मन में रहता है कि ऐसा कौन सा तरीका है जिससे कि हम अपने सिलेबस को जल्दी याद कर पाएं और अपने एग्जाम्स में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला पाएं। तो दोस्तों, क्यों ना इस क्वेश्चन का जवाब उन्हीं लोगों से पूछा जाए जो पढ़ाई में काफ़ी अच्छे हैं और जिन्होंने सबसे डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कैल न्यूपोर्ट को कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। कैल अपनी बुक हाउ टू बिकम अ स्ट्रेट अ स्टूडेंट में बोलते हैं कि डोंट रीड एवरीथिंग, मतलब सिलेबस का हर चीज़ पढ़ने मत बैठ जाओ। और सिर्फ इतना ही नहीं, कैल अपनी बुक में बोलते हैं कि हमारी बुक में जितने पेजेस होते हैं हमारे पास कभी भी उन्हें पढ़ने का पूरा टाइम नहीं होता। और अगर ये सीक्रेट स्टूडेंट्स को पता चल जाए तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स बेफिजूल के स्ट्रेस और एंजाइटी से बच सकते हैं। तो आप में से कई स्टूडेंट्स ये बोलेंगे कि ये कैल न्यूपोर्ट हैं कौन और हम इनकी बात पर विश्वास क्यों करें। तो दोस्तों, कैल ने दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज MIT से पढ़ाई की है और वो अभी जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। तो हम इनकी एबिलिटी पर शक ना ही करें तो अच्छा होगा। और आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि ये तो फॉरनर हैं, इनका सिलेबस पैटर्न डिफरेंट है इसलिए इनका तरीका भी अलग होगा, और क्या ये हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में फॉलो होंगी। तो पहली बात तो यह है कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारा कल्चर डिफरेंट हो सकता है लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी और ह्यूमन की लर्निंग एबिलिटीज सब सेम है। लेकिन फिर भी एक इंडियन एग्जाम्पल लेते हैं, ये दीपक रावत सर हैं, IAS डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हरिद्वार उत्तराखंड। ये भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए यही रिकमेंड करते हैं कि लेस इज मोर, यानी उतना ही मटेरियल पढ़ो जितना की जरूरत हो, क्योंकि जितना ज्यादा मटेरियल हमारे पास होगा उसे देख देख कर ही हम काफी स्ट्रेस में आ जाएंगे, क्योंकि वो हमसे कभी भी खत्म तो होने वाला नहीं है। इसलिए डू नॉट स्टडी ऑल द मटेरियल दैट इज गिवन। एक बात याद रखें कि लेस इज मोर। मेरी सलाह मेंस देने वालों को इतनी है कि आप घिरे हुए मटेरियल से, इग्नू का मटेरियल है, इंटरनेट पे मटेरियल है, तमाम कोचिंग्स हैं, तमाम गाइड्स हैं, आपको ज्यादा से ज्यादा जो आंसर लिखना होगा कितना होगा, हो सकता है 250 वर्ड्स का हो। मेरे टाइम पे तो मेंस में इतने लंबे आंसर हुआ करते थे, हो सकता है 300 का हो। इतना सब कुछ पढ़ के आपको एक अच्छा कंटेंट, रिच इन फैक्ट्स, वेरी रीजनेबल और सिंपल आंसर लिखना है। ये आप कब लिख पाएंगे? जब आपकी पढ़ाई लिखाई की सामग्री इतनी ज़्यादा ना हो, लिमिटेड हो और आपके आंसर्स की क्वालिटी अच्छी हो। तो हमेशा याद रखिएगा, लेस इज मोर। थैंक यू।